गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट बेटा क्लास 8th। आज की क्लास में हम आपको मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करवाएंगे। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-डिजिट नंबर इज 9। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। जब हम अंकों को आपस में बदलते हैं तो यह पाया जाता है कि परिणामी नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। वॉट इज द 2-डिजिट नंबर, तो वह मूल संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन पर आते हैं। लेट द यूनिट प्लेस डिजिट एक्स, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, यूनिट प्लेस डिजिट मानेंगे एक्स। लेट द टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी, वाई। दोनों का सम कितना दिया है हमें, 9 दिया है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। हम यहाँ से एक्स या फिर वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने एक्स की वैल्यू निकाली तो इज इक्वल टू 9 प्लस वाई था, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर, अब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, एक्स प्लस 10y। सबसे पहले क्या आती है, यूनिट प्लस डिजिट आती है प्लस टेंस प्लस डिजिट आती है 10y। सपोज कीजिए आपके पास 54 लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 5 प्लस 4। तो 10 में हम क्या करेंगे, 5 को ऐड करेंगे तो 50 प्लस 4, ठीक है। वैसा ही हमने इसमें किया है, ठीक है। ये हमारी यूनिट प्लस डिजिट हो जाएगी एक्स प्लस, यहाँ पर 5 के प्लस पे क्या है, यहाँ पर y, और 10 प्लस डिजिट में 10 आ जाएगा। न्यू नंबर क्या हो जाएगा, हमें क्या बोला है, जो ओरिजिनल नंबर है उसका इंटरचेंज करने पर, तो x के प्लस पे y और y के प्लस पे x, तो x के प्लस पे y प्लस 10 y के प्लस पे x हो जाएगा, तो 10x प्लस y हमारा न्यू नंबर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, जो हमारा न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से क्या है, 27 ग्रेटर है, ठीक है। तो न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस 27, ठीक है। न्यू नंबर क्या है हमारा, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स प्लस 27। 10x प्लस वाई प्लस 10y है इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 10y, प्लस एक्स है इक्वल के इधर आएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 27। 10x में से 1x जाएंगे तो 9x बचेगा, 10y में से 1y जाएगा तो 9y। माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, इज इक्वल टू 27। 9x माइनस 9y में से हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लिया तो x माइनस y इज इक्वल टू 27। हमें x माइनस y की वैल्यू फाइंड करना है, इज इक्वल टू 27। यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, 9 वन ज़ा 9, 9 थ्री ज़ा 27, तो x माइनस y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाय फर्स्ट से x की वैल्यू पुट कर देंगे। x के प्लस पे क्या पुट किया हमने, 9 माइनस y, माइनस वाइन वाई इज इक्वल टू 3। 9 माइनस 1y और 1y कितने हो जाएंगे, 2y। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन किसका आएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 3। 9 ये प्लस 3 था, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 3 इज इक्वल टू, माइनस 2y था, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस 2y। 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा, इज इक्वल टू 2y। हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, 6 बाय 2, 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, बाय इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 को लेंगे, x इज इक्वल टू 9 माइनस y, x इज इक्वल टू 9 माइनस y के प्लस पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा। ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, 10y प्लस x, ये हमारा ओरिजिनल नंबर था 10y प्लस x। तो 10 इंटू y के प्लस पे क्या रख देंगे हम, 3, प्लस x की वैल्यू क्या है, 6। 10 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 30, प्लस 6, 30 में 6 को ऐड किया तो 36। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे।